नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए प्लान में। अभी मैं हूँ दिल्ली में और आज चलता हूँ घूमने, आपको भी ले चलते हैं घुमाने। मेरा वैसे प्लान है सिग्नेचर ब्रिज घूमने का, तो हम चलते हैं, खुद भी घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं सिग्नेचर ब्रिज। तो आई तो अभी ये हमारा रूम है, अभी रूम में है, चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं सिग्नेचर ब्रिज पर। आप देखिए मेरे पीछे सिग्नेचर ब्रिज का राड आपको दिख रहा है, बाकी मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ये है पूरा सिग्नेचर ब्रिज भाई। ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, देखने में काफ़ी भव्य दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बैक कैमरे से। ये जो नदी आपको दिख रही है ये यमुना नदी है और इसी यमुना नदी पर बना है ये हमारा प्यारा सिग्नेचर ब्रिज। और आप देखिए थोड़ा सा ये, और ये देखिए भाई इसकी ऊंचाई आप देखते जाइए, पूरा एकदम 90 डिग्री पे आपको दिखाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग फोटो भी खिंचवा रहे हैं। और बाकी देखिए ये ब्रिज है, ब्रिज का ये ब्रिज आपको दिख रहा है, इसमें से ये राड आया और राड कितना मोटा है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको लगाया गया है। ये पूरा लोहे का है, आप ये देखिए मेरी जितनी ऊंचाई है मेरे से ज़्यादा ऊँचे ऊँचे इसमें ये सब लोहे के राड लगे हुए हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। और इसकी मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा है, इसके साथ ये सपोर्ट में टिका हुआ है, ऐसा नहीं है कि पतले पतले तारों से जोड़ा गया है भाई सिग्नेचर ब्रिज। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी हुई है, इंजीनियरों के इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व है। बाकी राहुल सर हमारे साथ हैं, थोड़ा सा आपको इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा कराते हैं। आप देखते जाइए ऐसे आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, धीरे 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 अभी मोबाइल जो है 90 डिग्री पर टिल्ट हो चुकी है, तब जाके आपको इसका ऊपरी सिरा देखने को मिल रहा है। और ये जो ऊपर आपको ये वाली ऊंचाई दिख रही है इसके भी ऊपर काफ़ी ऊंचे तक है जहाँ पे सारे राड कनेक्ट किए हुए हैं। और इसकी एक खास बात ये है कि आप यहाँ से आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे तो लेफ्ट साइड में आपको ज़्यादा राड दिख रहे हैं, जबकि राइट साइड में आपको बस एक साथ कुछ राड दिख रहे हैं, तो एक साथ कनेक्ट किए हुए हैं इस जगह पर। ये कुल मिला के हैं कितने, इसमें से कुल 8 राड हैं। 8 राड की अपेक्षा इधर देखेंगे तो इधर कई सारे हैं। तो ये पूरा डिज़ाइन है और इसके अंदर एक पिलर लगा हुआ है, ये दोनों मिला के बस एक जगह पे पिलर लगा हुआ है। जैसे आपको नैनी ब्रिज में आपने देखा होगा कि वहाँ पर दो पिलर लगे हुए हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो भाई काफ़ी एडवेंचरस है, अभी दिन है हालाँकि लाइट जल नहीं रही है, इसलिए खूबसूरती उसकी उतनी ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता आपको। यहाँ पर आप देखेंगे तो इतने मोटे मोटे वायर लगे हुए हैं ये बैरिकेडिंग के लिए, ताकि आप यहां से बाहर ना जा सकें। वो तो एक अलग लगा हुआ है, बाकी इसके पहले भी यहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। और बाकी यार सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहां पर जहां पर हम खड़े हैं यहां से जब गाड़ियां चलती हैं, इतनी गाड़ियां जा रही हैं लगातार, तो ये ब्रिज कभी कभी कंपन करने लगता है, ऐसा लगता है कि गिर जाएगा, लेकिन इसको बनाया इस तरीके से गया है कि कोई समस्या यहाँ पर होने वाली नहीं है। अभी मैं मुखर्जी नगर के बगल से गुजर रहा हूँ, यही है मुखर्जी नगर। तो ये अभी मैं जो आपको रोड दिखा रहा हूँ ये रोड तो खास है, खास इसलिए है क्योंकि ये है NH1, इंडिया का NH1 यही है। ये आपको जो रेड ले जाएगा आप जब इधर जाएंगे, ये अभी मैं ब्रिज पर खड़ा हूँ, तो ब्रिज के उधर जब आप निकलेंगे तो वो आ जाता है जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान की तरफ। तो यानी कि इंडिया का ये जो NH1 आपको दिख रहा है ये आपको पाकिस्तान पहुंचा देगा, हालांकि इसको अभी कुछ देर आगे जाने पर ब्लॉक कर दिया गया है,
क्योंकि जो किसान आंदोलन हो रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी उसकी वजह से। अभी हम पहुंच गए हैं स्वर्ण जयंती पार्क है ये दिल्ली का काफ़ी प्रसिद्ध पार्क है। अभी इसमें आप देखिए लोग यहाँ पर आते हैं तो गेहूँ चावल दाल जो भी होता है ये डाल देते हैं। कितने सारे कबूतर यहाँ पर आए हुए हैं इनको चुग रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए क्या गजब का माहौल है यहाँ पर। आप यहाँ पर किनारे किनारे देख सकते हैं ये मक्के के बीज हैं इसमें आप देख सकते हैं। तो ये मक्का है और जौ है ये सारी चीज़ें लोग लेके आते हैं। तो भाई अब घूम के आ गए हैं एक बार फिर अपने हॉस्टल की तरफ और अभी ये जिस फ्लाईओवर से चल रहे हैं DMRC का ही बनाया गया है। और अगर आप इधर देखेंगे इधर भी हमारे ऑफिस है तो और यहाँ पर हमारा हॉस्टल अभी पहुँच गए हैं। ये अभी देखिए इधर पूरा रोड चल रहा है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बाय बाय। जय हिंद।